आज़ाद कश्मीर को वाकई हम डिजर्व नहीं करते, ठीक है। जैसे हमारे मुल्क के हालात हैं, जैसे हमारे मुसलमान हो चुके हैं, ये सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है, पॉलिटिक्स से नीचे भी हमारे मुसलमान जैसे हो चुके हैं ना, मैं इसको बेशक इंटरनेशनली अपने मुसलमानों के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन अफसोस है, दिल में दुख है कि जैसे हम मुसलमानों को होना चाहिए था वैसे नहीं। आज जिस टॉपिक पर हम पब्लिक की ओपिनियन लेने वाले हैं वो बेसिकली एक वीडियो है, और वीडियो है जम्मू कश्मीर की, इंडियन कश्मीर की, बहुत ही हैरत अंगेज सी वीडियो है, अनबिलीवेबल डेवलपमेंट है, जिसकी वीडियो आप स्क्रीन पर भी क्लियरली देख सकते हैं और पाकिस्तानी आवाम को भी हम दिखाने वाले हैं। अगर बात की जाए इस डेवलपमेंट की, तो G20 के डेलीगेट्स ने ये भी बोल दिया था कि ऐसे डेवलपमेंट तो यूरोपियन यूनियन में भी नहीं है जैसे डेवलपमेंट इस वक्त श्रीनगर में हो गई है, कश्मीर में हो गई है। तो यही वंडरफुल डेवलपमेंट आज पाकिस्तानी आवाम को दिखाते हैं, उनसे उनके रिव्यूज जानते हैं और कंपैरिजन करवाते हैं आजाद कश्मीर के साथ। मीडिया वाले ये समझते हैं कि पाकिस्तान में लोग भूखे नंगे हैं ना, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। अच्छा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र है कि अपने पाकिस्तान में जिस मर्जी शहर में चले जाए वेल बिल्डअप सिटीज हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है कि यहाँ पे सियासतदान मांगते क्यों फिर रहे हैं, हर मुल्क के सामने हाथ क्यों फैलाते फिर रहे हैं, हमारे लोग आटे की लाइनों में लग लग के मर क्यों। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि आज जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, उससे वह अपने देश की जनता को दो समय का भोजन व रोज की जरूरत की चीजें भी उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। ऐसे में पाक को इंडिया के साथ आ जाना चाहिए, और पाकिस्तान में कोई भी सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है। पाकिस्तान की सरकार POK का हाल आने वाले समय में और भी ज्यादा बुरा कर देगी। पाकिस्तान आज IMF के सामने पैसों के लिए खड़ा हुआ है। अगर IMF ने पाकिस्तान को पैसे नहीं दिए तो पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। वही दूसरी तरफ दोस्तों भारत कश्मीर में बहुत ज्यादा विकास कर रहा है। G20 की मीटिंग में आए मेहमानों ने जमकर इंडिया के श्रीनगर की तारीफ की। श्रीनगर में आज बहुत ज्यादा विकास हो रहा है, जिसे देखकर पाकिस्तानी जनता को यकीन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तान की इस लेटेस्ट वीडियो को। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यूपी के सीएम ने एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर जो है वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहा है, पाकिस्तान जो है वो आज़ाद कश्मीर को डिजर्व नहीं करता क्योंकि बैंकरप्ट पाकिस्तान रोटी के लिए लड़ रहा है, मर रहा है, तो आज़ाद कश्मीर को इंडिया के साथ इल्हाक कर लेना चाहिए, इंडिया के साथ मिल लेना चाहिए। क्या कहेंगे आप? मैं इसके ऊपर ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, कोई मैं किसी का साथ नहीं दूंगा, मैं बेशक मैं पाकिस्तानी हूँ। ऑनेस्ट रिव्यू ये है कि हम आज़ाद कश्मीर को वाकई हम डिजर्व नहीं करते, ठीक है। जैसे हमारे मुल्क के हालात हैं, जैसे हमारे मुसलमान हो चुके हैं, ये सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है, पॉलिटिक्स से नीचे भी हमारे मुसलमान जैसे हो चुके हैं ना, मैं इसको बेशक इंटरनेशनली अपने मुसलमानों के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन अफसोस है, दिल में दुख है कि जैसे हम मुसलमानों को होना चाहिए था वैसे नहीं है। तो बेसिकली हम आज़ाद कश्मीर को डिजर्व नहीं करते, और हमारे पॉलिटिक्स तो वैसे ही अपने जायदादों के लिए लड़ रहे हैं, सवाए इमरान खान के, उसके अलावा तो बाकी सारे आपके सामने है कि एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, आपके सामने PDM क्या कर रही है, सारे जो है सारी दुनिया पाकिस्तान जो है वो इमरान खान के साथ जो है वो क्या जुल्म और सितम कर रही है। तो पाकिस्तान तो हो चुका है डिफॉल्ट, तो बाकी ये इंटरनेशनली ऐलान ना करें वो अलग बात है, तो वैसे हम डिजर्व नहीं करते, ये इंडिया ही डिजर्व करता है। मेरे ख्याल से उनको दे देना चाहिए कि शायद वो उनको दे दिया जाए तो उसके लिए कुछ बेहतर सोच सकें। आप जम्मू कश्मीर देख लें कि इंडिया किस तरह से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है, और जम्मू कश्मीर श्रीनगर में जिस तरह उन्होंने कामयाबी के साथ G20 की मीटिंग करवाई है वो सब आपके सामने। इंडिया हर तरफ से कामयाब हो रहा है, अगर उसने G20 की वहाँ पे करवाई है मीटिंग तो वो ऑफकोर्स में कामयाबी हुआ होगा। तो मेरा बेसिकली पॉइंट यही है कि हम इसको डिजर्व नहीं करते और उनको दे देना चाहिए, क्योंकि मैं तो वैसे ही जो है मोदी का फैन हूँ, क्योंकि वो चाय वाले से एक इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना जिंदगी में ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है उसके इंडियंस के लिए भी, और बेशक हमारे लिए भी, बेशक वो हिंदू है लेकिन हम जो मेहनत करने वाला इंसान है उसकी कदर करनी चाहिए। थोड़ा सा फील हुआ है कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये अज़रबैजान टाइप की जगह ना हो या टर्की टाइप की जगह हो मे बी। नो सर, इट्स नॉट अज़रबैजान, इट्स नॉट टर्की, क्या कहेंगे, इट्स कश्मीर, ये पाकिस्तान का आजाद कश्मीर है। इट्स नॉट पाकिस्तान, मैंने बोला पाकिस्तान नहीं है, आजाद कश्मीर नहीं है। अच्छा मैं समझ गया, ये जम्मू कश्मीर होगा क्योंकि दुनिया का मेरे ख्याल से फर्स्ट और सेकंड लार्जेस्ट जो शॉपिंग मॉल है वो दुबई और UAE जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में बना रहे हैं। बट ये वो वाला नहीं है, ये अपनी मार्केट पोलो मार्केट बनाई हुई है वहाँ पर जम्मू कश्मीर में, जो इंडिया की जानिब से बनाई गई है, और जो मैंने आपको पूरा व्यू दिखाया है वो जो जो डेवलपमेंट श्रीनगर में हुई है वो दिखाया है। देखें जी, इस चीज को असाइड रख के कि देयर आर एनिमीज या वो हमारे दुश्मन है, ये एक बहुत ज्यादा हेल्दी साइन है कश्मीरी लोगों के लिए कि अगर वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स बना रहे हैं, एंटरटेनमेंट पार्क्स बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो ये कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगी। और मतलब कि हम उसे एज ए नेगेटिव तो लेंगे, लेकिन अगर न्यूट्रल होकर देखा जाए तो उधर डेवलपमेंट होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि एज ए इंसान उनके भी हकूक है। सर वहाँ पर
आपने देख लिया है कि डेवलपमेंट कैसी हो रही है, G20 का इजलास वहां पर हो चुका है, आप देख लिया दुबई कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वहां पर हो रही है, इलेक्ट्रिक ट्रेन वहां पर चल गए जो पूरे पाकिस्तान में नहीं हुआ, वो तो अकेले कश्मीर में हो गया है, तो क्या कहेंगे आप? देखें जी, यहाँ तो सिर्फ लाहौर ही पाकिस्तान है, लाहौर से बाहर निकल के मतलब के आई थिंक सो के 280 मिलियन पाकिस्तान की 2829 करोड़ आबादी है जो कि अंडर रिपोर्टेड है आज तक। लाहौर को छोड़ के और इस्लामाबाद को छोड़ के पाकिस्तान के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यूपी के सीएम योगी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा है कि आजाद कश्मीर जो है वो इंडिया के साथ मिलना चाह रहा है। यहाँ की इकोनॉमी सूरत हाल देखें, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर लोग जो हैं रोटी के लिए मर रहे हैं, पाकिस्तान बैंक करप्ट हो चुका है, इसलिए आजाद कश्मीर इंडिया के साथ मिलना चाहता है। और ये बात आजाद कश्मीर के लोग खुद भी कह चुके हैं, उनके एक्टिविस्ट भी कह रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, क्या कश्मीर इंडिया के साथ मिल जाना चाहिए? देखें जी, कश्मीर को तो इंडिया के साथ मिलना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन कश्मीर की एक अलग पहचान है, उनका एक अलग झंडा है, उनका एक अलग तराना है, ठीक है, तो कश्मीर को जो है अगर लोग वहाँ के कहते हैं तो फिर मिलना चाहिए, लेकिन अगर मिल के भी वो फिर उनके कानून भी जहरी बात है उनके मुताबिक होंगे, उनकी करेंसी भी उनकी चल रही है, फ्लैग भी उनका चल रहा है, कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो अगर हमारे साथ मिल भी जाते हैं तो अपने फ्लैग को वो रद्द कर देंगे या उसको आग लगा देंगे, ठीक है, वो अपने फ्लैग को रखेंगे और अपनी रियासत की और अपने रियासत की जो अपना रिवायात होती है वो उसको बरकरार रखेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर इंडिया वाले ये समझते हैं कि पाकिस्तान में लोग भूखे नंगे हैं ना, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह का शुक्र है कि अपने पाकिस्तान में जिस मर्जी शहर में चले जाए वेल बिल्डअप सिटीज हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है कि यहाँ पे सियासतदान मांगते क्यों फिर रहे हैं, हर मुल्क के सामने हाथ क्यों फैलाते फिर रहे हैं, हमारे लोग आटे की लाइनों में लग लग के मर क्यों रहे हैं? देखें, ये इस तरह की चीज़ें जो है ना वो हर मुल्क में होती हैं। अच्छा। इंडिया में अगर आप देखें तो यहाँ से डबल होती होंगी वहाँ, ठीक है ना, ये रोने धोने जो है ना वो हर मुल्क के चलते रहते हैं, ये अगर ये रोने धोने ना होते तो कोई मुल्क ना चलता, अगर रोने धोने चल रहे हैं तो दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो वहाँ पे अच्छे काम भी बड़े चल रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ लोग रो रहे हैं या नंगे हैं फूंगे हैं, अगर आप इंडिया की हिस्ट्री उठा के देखें तो आपको पता लगेगा कि इंडिया में कितने लोग नंग और भूख से मर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करें ना तो इंडिया ने गुर्बत पे बड़ा काबू पा लिया है, आपको ये बात पता है? अब देखिए जी, इंडिया की तादाद भी कितनी ज्यादा हो गई है, चाइना के साथ वो लोग जो है ना वो चाइना से आगे जाने लगे हैं, लेकिन सर बड़ी तादाद को संभालना भी बहुत बड़ा काम है जो इंडिया करके दिखा रहा है। हाँ, वैसे ये बात है कि हमें ये बात माननी पड़ेगी कि इंडिया में काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स जो है वो उनके पीएम्स सीएम्स ये सारे लेके आते हैं, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो उनकी पॉपुलेशन भी काफी बड़ी है, लेकिन ये बात मानते हैं हम भी कि उनके जो पीएम्स हैं वो वाकई उनके लिए काफी अच्छा काम करते हैं, काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं जिनसे वहाँ पे बेरोजगारी की जो शरह वो कम होती जा रही है। 370 हटाने के बाद सर वो डेवलपमेंट्स भी तो कर रहे हैं, हम हमेशा 370-35A की बात करते हैं। वो बिल्कुल, मैं यही बात कह रहा हूँ जी कि अगर उन्होंने 370 को प्रवोक किया भी है यूएनओ के चार्टर को वॉयलेट करके, तो उसके बदले उन्होंने अगर उसे अपना अटूट अंग डिक्लेयर किया तो वो 350 डैम्स भी बना रहे हैं, उधर उधर शॉपिंग मॉल्स बना रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे हैं, G20 में से दुनिया के टॉप 20 मोस्ट इकोनॉमिकली पावरफुल नेशंस को बुला रहे हैं, और आगे आप देखें हो सकता है इन फ्यूचर ये ब्रिक्स की भी जो ब्रिक कंट्रीज हैं जिसमें चाइना, ईरान, रशिया सुपर पावर हैं, ये उनको भी उधर इन्वाइट करेंगे और उनकी पता नहीं 2.6 ट्रिलियन US डॉलर्स की इकोनॉमी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सऊदीया जैसे मुल्क भी ज्यादा देर रेजिस्ट कर सकेंगे इस चीज को, और मुझे लगता है इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के नाते वो अट्रैक्ट होके एक दिन उधर जरूर आएंगे।